नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप देव। सबसे पहले आप बांग्लादेशी जिहादी शेख अब्दुल रज्जाक बिन यूसुफ का ये वीडियो देखिए और सुनिए। बांग्ला में है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या कर। আমি মুসলিম চির রণবীর মরণকে করি না ভয়, আমি ছবিকে কবর দিতে এসেছি, আমি মূর্তিকে লাঠি দিয়ে ভাঙতে এসেছি। তুমি জানো না আমি মুসলিম, তুমি কখন বিজাতিতে চলে গেছো সেটা তোমার ব্যাপার। তুমি তো পহেলা বৈশাখ মানো, আমি কি হিন্দুর বাচ্চা? আমি কি হিন্দুর ঘরে জন্ম নিয়েছি নাকি আমি পহেলা বৈশাখ মানবো? তুমি বলো কি, তুমি জানো না আমি মুসলিম? আমার রক্তের সাথে মিশে আছে মূর্তি ভাঙা নীতি, আমার গোস্তের সাথে মিশে আছে মূর্তি ভাঙা নীতি। আমি পহেলা বৈশাখে কবর দিতে এসেছি, আমি হিন্দুর ঘরে জন্ম নিয়ে জনাব, আমি মুসলিম চির রণবীর মরণকে করি না ভয়, মরলে শহীদ বাঁচলে গাজী আমার উভয় সমান, মরো যতটুকু বাঁচাও ততটুকু আমার উভয় সমান। বঙ্গাল কি সরকার ऐसा लगता है कि जिहादियों को मेहमान बनाने पर आमदा है। कल भी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की हत्या हुई है, लेकिन मीडिया में कोई बोलने वाला नहीं है क्योंकि मीडिया की मनपसंद ममता दीदी की जिहादी सरकार चल रही है। बांग्लादेश की जो लेखिका है तस्लीमा नसरीन, उसका एक ट्वीट जो है बहुत डरा रहा है। वो लिखती है, बांग्लादेशी जिहादी शेख अब्दुल रज्जाक बिन यूसुफ हु हेट्स हिंदू एंड वीमेन इन गोइंग टू वेस्ट बंगाल, वो वेस्ट बंगाल जा रहा है इंडिया फॉर ए वीक लॉन्ग, 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक वो भारत में रहेगा। प्रीचिंग ही इंस्पायर मुस्लिम मैन टू ऑप्रेस वुमेन एंड टू डिस्ट्रॉय हिंदू मंदिर, वो मुसलमान पुरुषों को महिलाओं को कुचलने की का संदेश देता है और हिंदू मंदिर मूर्तियों को तोड़ने की बात लगातार करता है। उसके जो है बयान आपको मैं बताऊं, वो ये इस बयान में जो बांग्ला में है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब है, ध्यान से सुनिए। वो कह रहा है, मैं हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को लात मारकर तोड़ता हूं और उसे कब्र तक पहुंचाता हूं, क्योंकि हिंदू देवी देवताओं को कब्र तक पहुंचाना ही मुसलमानों का पहला काम है। वो आगे कहता है, हमें हिंदू बच्चा बताया गया, अब कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम एक है और भारत में सब एक ही थे, इसलिए वो कह रहा है हमें हिंदू बच्चा बताया गया, लेकिन हम वो मुसलमान हैं जो मरते दम तक कभी हिंदू का नहीं हुआ, क्योंकि मैं वो मुसलमान हूं जिसके खून में मूर्ति भंजन की नीति बह रही है, मूर्ति तोड़ने की नीति बह रही है। हम वो मुसलमान हैं जिसके हर मांस में मूर्ति तोड़ने की बात समाई हुई है, हर सांस में मूर्ति तोड़ने की बात समाई हुई है। हिंदुओं से इतनी घृणा करने वाला यह शख्स बंगाल सरकार का अतिथि होने जा रहा है, वो बंगाल को भड़काएगा। ममता बनर्जी जिहाद के एक पूरे गोले पे बैठी है और वो जिहादियों को और उकसा रही है, जिहादियों को और पोस पाल रही है ताकि उसका वोट बैंक जो 27-29% है वो पूरी तरह से उसको मिलता रहे उसका वोट और वो सरकार बनाए रखे। पॉलिटिकल 30 साल के सीपीएम के कार्यकाल में, कम्युनिस्ट सरकार के कार्यकाल में 55,000 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। ममता बनर्जी जिस तेजी से पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही है, तृणमूल कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और जिसपे कोई सुखबुगाहट नहीं है, वो लगता है उस वामपंथी शासन को भी पीछे छोड़ देगी। और जिस तरह से वो इस रज्जाक जैसे लोगों को अपने यहां बुला रही है, मंदिर तोड़ने और मूर्तियों को लात मारने की बात करने वाले व्यक्ति को बुला रही है, वो ममता बनर्जी ने खुद ही अपनी नीतियों में दिखाया है कि जब वो हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि वो दुर्गा विसर्जन को कैसे रोक सकती है, ममता बनर्जी ने दुर्गा विसर्जन को रोका, क्योंकि उस दिन मुसलमानों का त्यौहार था, इसलिए दुर्गा विसर्जन एक दिन बाद हो सकता है, मुसलमानों का त्यौहार नहीं टल सकता, वो उस मोहल्ले से नहीं निकल सकता, वो इस इलाके से नहीं निकल सकता। आज भी मुस्लिम बहुल इलाके से आप मूर्ति को अपने प्रोसेशंस को निकाल के दिखाइए, दंगे हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं लोग। ये भारत है,
या पाकिस्तान हो चला है, ये पूछने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। लेकिन आप नहीं देखेंगे, आप किसी को ये सवाल उठाते नहीं देखेंगे। रवीश कुमार इसके लिए जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम टाइम करता है कि बंगाल में नन का रेप हुआ, इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार को घेरता है। लेकिन नन रेप करने वाले बांग्लादेशी मुसलमान निकल गए, वो मुंह पे चुप्पी साध लेता है। नरेंद्र मोदी को तानाशाह कह के आई एम लिबरल किताब लिखने वाली सागरिका इस पे चुप है कि मूर्तियों हिंदू के मूर्तियों को लात मारने वाले व्यक्ति को आप क्यों यहां बुला रही हैं, और वो आ भी रहा है तो आप उसको रोकिए बांग्लादेश सरकार को, कहीं वो उसको वहीं रखे, आप उसको वीजा न दें, आप उसको प्रवेश न दें। राजदीप सरदेसाई जो रोज जिनको संसद पर हमला एक बेहतरीन दिन लगता है, उन्हें लगता है कि हिंदू कट मर जाए वो भी शायद उनके लिए बेहतरीन दिन हो। ये सारे लोग गिद्ध की तरह हिंदुओं को नोचना चाहते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति को एंट्री दे रही है ममता बनर्जी, लेकिन उसकी जवाबदेही उस टेलीग्राफ के पास है जो जिसकी हेडिंग में पत्रकारिता नदारत है, घटियापन मौजूद रहता है। एंटी नेशनल आपको याद होगा, 56 इंच स्ट्रिंग्स आपको याद होगा, उस आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप के पत्रकारिता में इस चीज को दबाने की एक तरह से प्रेरणा है। पूरी मीडिया बिरादरी मिलकर इस चीज को आपको नहीं बता रही है। तस्लीमा नसीम के ट्वीट से जो पता चला कि दिसंबर 14 से 20 तक ये आदमी आएगा बंगाल में, जिहादियों को कहेगा हिंदुओं पे हमला करो, ममता बनर्जी इसको नहीं रोकेगी और हिंदुओं पे हमला होगा। आज बंगाल में भाजपा के रथ यात्रा को रोकने के लिए अदालत के आदेश को भी नहीं मानना चाहती ममता बनर्जी, लेकिन एक जिहादी बांग्लादेशी जिहादी को यहां बुलाकर हिंदुओं को गाली गलौज करवाने के लिए वो तैयार बैठी है। अभी भी कहता हूं आंख खोलिए, जनसंख्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी चुनौती है। आपको लगता होगा कि बस ऐसे कहा जा रहा है, किसी दिन आपके पड़ोस में कोई ऐसा जिहादी आ गया, आपकी बेटी घर से निकलना बंद हो जाएगी, आपकी पत्नी निकलना बंद हो जाएगी, आपकी बहन निकलना बंद हो जाएगी, आप उस इलाके में नहीं जा पाएंगे जहां आप जानते हैं कि आपके घर से कुछ ले जाके सामान चुरा के आपके घर से चोरी करके उस इलाके में ले जाया गया है, लेकिन वो नो एरिया होगा, नो जोन एरिया होगा, आप नहीं जा पाएंगे, पुलिस भी नहीं जा पाएगी। तब आपको समझ में आएगा कि ये समस्या सिर्फ बंगाल तक नहीं है, ये समस्या धीरे धीरे पूरे भारत को जकड़ रही है। इसलिए जागिए, जगाइए, और ऐसे लोगों का कहीं कम से कम तो सोशल मीडिया पर विरोध कीजिए ममता सरकार का, वो लोकतांत्रिक ढंग से विरोध कीजिए। ममता बनर्जी को टैग करते हुए कहिए कि वो बांग्लादेशी जिहादी शेख अब्दुल रज्जाक बिन यूसुफ को क्यों आने दे रही है, और वो खुद आ रहा है, कोई संस्था ला रहा है, तो उसका वीजा कैंसिल क्यों नहीं करवा रही, उसको क्यों नहीं रोक रही, उसको 14 तारीख को एयरपोर्ट से क्यों नहीं लौटा दे रही, क्यों नहीं लौटाने की योजना उसने बनाई। जागिए, वरना आपके पड़ोस में ही, आपके घर में ही कभी कुछ हादसे हो जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। धन्यवाद।